चलो बच्चा पार्टी, तो आपके सामने आठ क्वेश्चंस हैं और ये आठ के आठों क्वेश्चंस आठ वैरायटी के हैं, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन को आपको यहां से सीख कर जाना है। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। किसी वृत्ताकार मैदान का 5 चक्कर लगाने में 2200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताएं। सबसे पहली चीज यही होती है बच्चे कि आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि अगर किसी मैदान का, चाहे वो वृत्ताकार मैदान हो या वर्गाकार मैदान हो या वो आयताकार मैदान हो या किसी भी तरीके के शेप का, आकार का, अगर आप चक्कर लगाते हो बेटा, चक्कर, तो चक्कर लगाने से ही हमारे दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि ये क्या दे रहा होगा हमको, परिमाप दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? परिमाप दे रहा होगा बेटा। अब आप ये जानते हो कि परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप किसी भी आकृति के किनारे किनारे लगाया गया एक चक्कर होता बेटा। कितना चक्कर? एक चक्कर होता है। और इस बंदे ने हमको कितने चक्कर दिए? 5 चक्कर दिया। इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि सबसे पहले तो मैं एक चक्कर का निकालूं, बोलो हाँ या ना। तो ये बताओ कि अगर 5 चक्कर में बेटा, हेलो, अगर 5 चक्कर में 2200 मीटर होता है, तो बेटा जी एक चक्कर में कितना होगा? 2200 का बटा 5, 5 से काटो बेटा, 5 चौका 20 और फिर 2 आया तो 5 चौका 20, क्या 440 मीटर हुआ? बोलो हाँ या ना। ये बेटा 440 मीटर जो आपके लिए आया है, ये क्या है? ये बहुत है बेटा, ये परिमाप है आपका। किसका परिमाप? वृत्ताकार मैदान का परिमाप। किसका? वृत्त का। वृत्त बोले तो बेटा ऐसे होता ना वृत्त, अब वृत्त का परिमाप बोले तो वृत्त की परिधि बोलते हैं ना, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है बेटा, बोल। वेरी नाइस, ताली बजाइए। परिधि जो होता है बेटा, परिधि होता है 2πr। किस बच्चे ने बोला था भाई, एक बार इसको दिखाओ सबको, कितना छोटा बच्चा वृत्त की परिधि के बारे में आपको बता रहा है। मुझे लगता है कि 3rd या 4th का बच्चा। तो बिल्कुल आप भी इस तरीके से कर सकते हो, बस आपका कंसंट्रेशन, आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए बेटा। क्योंकि ऐसी क्लास जहां पे बड़े बच्चे भी बैठते हो, एक छोटा बच्चा जब बैठता है तो वो भी सीख सकता है। बात समझ में आ रही? तो परिधि का मतलब 2πr। आओ ऊपर इसको देख लेते बेटा, ऊपर देख लो या यही देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का मतलब 2, पाई का मान क्या होता बेटा? वेरी नाइस, 22/7। आर का मतलब बेटा त्रिज्या, बराबर कितना है? 440। अब सुनो ध्यान से, क्या करिएगा आप, ये जो 22 गुना बेटा कितना होगा? 44। 44/7, आर बराबर 440। सुनिए मैं ऊपर कर देता हूं, यहां पे देखिए 44/7, आर बराबर बेटा कितना? 440। तो बेटा जी इसके दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, तो आर इज इक्वल टू उधर जाएगा तो पलट के पलट जाएगा तो 7/ कितना हो जाएगा बेटा? 44। तो 44 ने 44 को काटा, आया आंसर 70। लेकिन ये बेटा आर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? आर की। आर बोले तो रेडियस, त्रिज्या। अगर किसी भी वृत्त की रेडियस पता चल जाए, त्रिज्या पता चल जाए, तो क्या हम उसका क्षेत्रफल बेटा निकाल सकते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल मैं पूछूंगा बेटा, मैं पूछूंगा, कोई बोलेगा नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला बताएंगी। हाँ बेटा आप बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, तालियां बजाइए। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बेटा कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना आया है? 70। 70 का स्क्वायर मतलब 70 × 70, बहुत बढ़िया बेटा। 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 10 आ गया, और 22 7 × 2 = 14,
और सात दुनी 14, 14 × 1 = 15 कितनी जीरो? 1, 2 बोले तो बेटा 15,400 वर्ग मीटर, कितना वर्ग मीटर, या इसी को मीटर स्क्वायर कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो क्या ये 2 स्टेप का सवाल था? वैसे ये 3 स्टेप का सवाल था। सबसे पहला स्टेप आपको ये निकालना था बच्चे कि एक चक्कर में, जब आपने एक चक्कर का निकाल लिया तो आपको ये पता चल गया कि भाई इसकी परिधि कितना है, इसका परिमाप कितना है। और परिधि का फार्मूला बेटा 2πr, 2πr से आपने क्या किया, r निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया। और जैसे ही आपने त्रिज्या निकाला उसके बाद आपको आइडिया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता बेटा, पाई आर स्क्वायर। और तुरंत के तुरंत आपने क्या कर लिया बेटा, क्षेत्रफल निकाल लिया, और क्षेत्रफल आ गया आपका 15,400 वर्ग मीटर। मजा आया? तो कहीं ना कहीं से ये सवाल जोड़ घटाओ गुणा भाग तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अरिथमेटिक वो तो करवा ही देता है, साथ में थोड़ी सी एलजेब्रा भी इसमें यूज हुई है, और बाकी तो मेंसुरेशन का तो ये सवाल ही है। बात समझ में आ रही? तो एक ऐसा सवाल जिसने सारी चीजें एक साथ ले ली। मजा आया? चलो जो बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं बेटा वो डाउनलोड कर लो, तब तक हम इधर के पास सवाल ले लेते हैं, इधर के एक सवाल ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 माय डियर, कम ऑन जल्दी से बच्चा पार्टी। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ये तो बिल्कुल और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप बताइए बेटा कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है और उस वस्तु की 10% हानि भी दी गई है, तो वस्तु के क्रय मूल्य का फार्मूला बोलते बेटा, क्रय मूल्य का फार्मूला बोल, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ बेटा, विक्रय मूल्य माइनस, बेटा जी आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। हाँ निखिल बेटा आप बताओ पीछे, कई बात सही है, वेरी नाइस। क्या बोला बेटा, एक बार फिर से बोल। हाँ विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस प्रतिशत हानि, कितना प्यारा, कितना प्यारा फार्मूला। नहीं चलो, तो विक्रय मूल्य कितना बेटा बोल दे, 500, कितना बेटा 500 गुणे 100 अपान में बेटा, अब इसको 90 बोल दो, तो ये गया इससे, बाकी तो कटेगा नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 5,000/9 रुपए। इतना भी आप कह सकते हो, लेकिन लेकिन आप इसमें भाग लगाइए, 9 × 5 = 45, फिर 5 × 9 = 45, फिर 5 × 9 = 45, 5/9 रुपए, 555 सही 5/9 रुपए बेटा। ऐसे कर दो, कोई दिक्कत ऐसे कर दो, समझ में आ रही, समझ में आ रहा बेटा पक्का? हाँ बेटा, कहीं दिक्कत हो तो बताइए, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बच्चे, कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए। हाँ बेटा बोल, नहीं चलो यहां पे आ जाओ, यहां पे क्वेश्चन नंबर टू, या चलो छोड़ो आ जाओ पहले 3 पे आ जाओ, इधर आ जाओ 3, क्वेश्चन नंबर 3, आर यू रेडी बेटा? पक्का? चलो, एक घनाभ के आकार का कमरा 10 × 8 × 5 कितना है, 10 × 8 × 5 बीमाओं का है। छत को छोड़कर कमरे की रंगाई कराना है, छत को छोड़कर कमरे की रंगाई कराना बेटा, और खर्चा 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर का है, तो कुल कितना खर्चा लगेगा? बिल्कुल मैं आपसे आइडियाज लूंगा, कौन सा बच्चा है जो आइडिया देने के लिए तैयार है? ओके बस इतने बच्चे,
कौन बताएगा? चलो ठीक है बताओ क्या किया जाएगा बेटा। अरे भैया इसको इसका पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ओके फार्मूला क्या होता है? दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद ऊंचाई। वेरी गुड, सब लोग सुनते रहना, बाकी जिन्होंने हाथ खड़ा किया था अगर इनके आइडिया से सहमत होंगे देन वे विल क्लैप। छत को छोड़ के नीचे का क्या करना है? तो नीचे की ओर लंबाई चौड़ाई होती है। ओके लंबाई चौड़ाई निकाल के उसमें जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? चारों दीवारों का आ जाएगा प्लस फर्श का आ जाएगा, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा ना। इसके बाद खर्चा 5 रुपया प्रति वर्ग है। ओके तो उसको 5 से गुणा कर देंगे आ जाएगा कुल खर्चा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साबित बेटा। इसका मतलब ये होगा बच्चे, आप सुनिए ध्यान से बेटा, इसका मतलब ये होगा कि आपको फर्श को लेना है, छत को छोड़ देना है। तो सबको ये बात पता होती कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, हाँ बता बेटा, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ। चारों दीवारों क्या? दो ब्रेकट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रेकट बंद करने के बाद ऊंचाई। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो दो ब्रेकट में लंबाई कितना है? 10। चौड़ाई कितना है? 8। ऊंचाई कितना बेटा? 5। तो 10 8 18 18 25 90 90 दूना 180। 180 तो आ गया चारों दीवारों का। अब चार दीवार आपने निकाल लिया बेटा, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, तो लंबाई कितना है? 10 और चौड़ाई कितना है? 8। 10 8 80। ये हो गया बेटा 0 8 8 16 1 1 2 260 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना था बेटा? 5। तो 5 से आप बेटा इसको कर दो गुणा, 5 0 0 5 6 30 और 5 2 10 10 3 यानी 1300 रुपए आएगा। खर्चा आपका कितना है बेटा? 1300 रुपए। सिंपल था, कोई दिक्कत बेटा? इस सवाल में आपको ध्यान देना क्या था बेटा? इस सवाल में आपको केवल इस बात का ध्यान देना था कि हमको किस किस चीज का एरिया निकालना है। देख लेना, अभी तो तुम छोटे हो, आगे चल के वो ये भी कह सकता था कि बाहर से भी रंगाई कराना है। तो बाहर से रंगाई कराना है बेटा, तो अंदर और बाहर दोनों, तो ये जो चारों दीवारों का क्षेत्र निकाले थे इसको 2 गुना कर देते, लेकिन फर्श में 2 गुना नहीं होता, ये भी जान लेना। को अंदर से घुस के तुम थोड़ी ना जाओगे उसको रंगाई करने, समझ में आ रही बात? तो जो भी पूछेगा, हम तो कहते हैं इसीलिए कि आपका बेसिक इतना अच्छा होना चाहिए बेटा कि आपसे कुछ भी पूछे। चलो हाँ पूछ लो, कमरे के बारे में तो पूछोगे, पूछो क्या पूछोगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछोगे, वो भी बताएंगे कि दो ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछोगे तो दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई होगा। कमरे का अगर आयतन पूछ लिया जाए बेटा तो क्या कहोगे? आयतन, कमरे का आयतन लंबाई प्लस चौड़ाई। अनय कहां है? अनय, हाँ अनय बताइए, कमरे का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा बेटा तो क्या करेंगे? वेरी नाइस, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से चाहे क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे सीएस से बोले तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, टीएस से यानी टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ आपको पता है। विकर्ण निकालना हो कमरे का, योगी जी विकर्ण निकालना हो, विकर्ण का फार्मूला क्या होता बेटा कमरे का? बैठे बैठो, हाँ बगल आप बताओ बेटा, कमरे का विकर्ण कैसे निकाला जाता है? हाँ आप बताओ बेटा निखिल, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये तो आपके फर्श का आएगा बेटा। विकर्ण कमरे का जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी गई हो, तो विकर्ण कैसे निकालोगे? हाँ दिग्विजय आप बताइए बेटा। वेरी नाइस, बस तो इस तरीके से बातें होती हैं कि आपको अपनी फार्मूला बुक भी बार बार रिवाइज बेटा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इट्स ओके। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। हेलो
अब सुनिए ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ओके चलो, राम श्याम तथा मोहन किसी काम को 10, 15 तथा 20 दिनों में करते हैं। ओके फिर क्या हुआ, यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो 50% काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो बेटा कि राम का एक दिन का काम कितना है, 1/10, श्याम का 1/15 और मोहन का बेटा 1/20। तो एक दिन का काम ये है, ये कितने दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। ओके तो अब आप सुनिए ध्यान से मेरी बात, अब आप ये बताइए कि अगर एक दिन में ये 1/10 करता है, ये 1/15 करता है, 1/20 करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तीनों मिलकर बेटा एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, 10, 15 और 20 का एलसीएम लोगे बेटा 60 आएगा, 10 × 6 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 = 3, तो 6 × 4 = 10 = 13, तो आ गया बेटा 13/60, तीनों का एक दिन का काम बेटा। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 60/13, तो पूरा काम अगर 60/13 दिन में करते हैं बेटा तो आधा काम, आधा कर दो 1/2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 30/13, बोले तो 13 × 2 = 26, 4/13 दिन, 2 सही 4/13 दिन। समझ में आया बेटा, पक्का कोई दिक्कत, पक्का समझ में आया। ओके तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लोगों ने ये सवाल भी खत्म कर लिया बेटा, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। ओके चलो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा, हेलो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है, वैसे नया तो नहीं है, हमने इसके बारे में आपको बताया है। पाइप, पाइप समझते हो, पाइप, पाइप का मतलब होता है बेटा सिलेंडर, क्या सिलेंडर, और जो सिलेंडर का शेप होता है बेटा ध्यान से देखना, हेलो बच्चा पार्टी कमान जल्दी से, ये क्या होता है बेटा, सिलेंडर होता है जिसमें इसके बीचों बीच से यहां तक क्या होती है इसकी त्रिज्या, जिसको आर बोलते हो, बोलो हाँ या ना, यहां से लेके यहां तक इसका हाइट होता है बेटा, क्या होता है हाइट। अब सुनो मेरे बच्चे ध्यान से, हेलो बिल्कुल आप बात ना करें बेटा, सारा का सारा कंसंट्रेशन यहां पे लगा दो, जिससे कि जब यहां से जाने लगो तो ये 8 के 8 सवाल, 8 तरह के सवाल फिर लाइफ में आपसे गलत ना हो, ठीक है। तो आप जहां भी बैठे हो बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ, बिल्कुल कंसंट्रेट, बात समझ में आ रही, हाँ। किसी भी बच्चे को कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रेज योर हैंड्स बेटा, तुरंत आप अपना हाथ खड़ा करिएगा, जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछना हो आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे हमसे बातें नहीं करोगे, क्लास में बातें करो, माँ बाप बहुत टाइम है टेंशन ना ले, बिल्कुल यही शांति और यही कंसंट्रेशन चाहिए बेटा, ठीक है। आओ इधर आओ, एक मोटी पाइप का व्यास, अब सुनो देखो मैं तुम्हें इस बात को समझाने के लिए क्या करता हूं, कुछ है क्या, सपोज कर लो कि ये मार्कर ही पाइप है, समझ लो ये क्या बेटा, ये पाइप है, ठीक है। अब सुनो, व्यास का मतलब होता है ये पूरा, यहां से यहां तक देखो, हेलो यहां से यहां तक ये बेटा पूरा व्यास कहलाता है, और इसका आधा जो होगा वो रेडियस कहलाता है, तो ये व्यास दिया गया कितना बेटा, तो ये बताओ डी फॉर डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, तो अगर डायमीटर बेटा 7 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चे, 7/2 कह लो, 3.5 भी कह लो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब पाइप की जो लंबाई है बच्चे, हेलो ये मीटर में दिया गया सब कुछ, लंबाई जो है बेटा, लंबाई मतलब इसकी जो हाइट है वो कितना है, 77 मीटर, बोले तो यहां पे जो हाइट होगी बेटा इसकी हाइट ये कितनी हो जाएगी, 77 मीटर। अब बात ये आई कि इस पाइप को बनाने के लिए जो चादर लगेगी बेटा, जो चादर लगेगी
इस पाइप को बनाने में कितना खर्च आएगा अगर एक वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब उसका क्षेत्रफल की बात करेगा। ये बताओ कि किसी भी पाइप को बनाते हैं, हाँ बेटा ये चीज बहुत सही बना बच्चे ने, जैसे मान लो कि एक चादर रही होगी ये बेटा, और इसको हमने क्या करा, गोल करके क्या बना लिया, एक हमने क्या बना लिया बेटा, इसको हमने एक सिलेंडर बना लिया। ये आपका सिलेंडर बन गया बेटा। अब ये जो आपका सिलेंडर बना है इसका एरिया कितना आएगा, तो आप ये जानते हो कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सीएस से बेटा, कर्व्ड यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, जिसको इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस, वेरी नाइस बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको सीएस से बोलते हो बेटा, सीएस से क्या होता है कोई बच्चा बताएगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हाँ राज बताइए बेटा क्या होता है, 2πRh यही तो होता है, 2πRh ही तो होता है, वेरी नाइस बेटा। तो 2 का मतलब बेटा 2, पाई का मतलब बेटे 22/7, आर का मतलब बच्चा 7/2, और h कितना बेटे 77। तो सुनिए बहुत ही इजी हो गया आपके लिए, 7 ने 7 को बेटा मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो फाइनली 22×77 आंसर कितना आएगा बेटे, मल्टीप्लाई करके हमें बताओ जल्दी से, 2×7=14 होता, 2×7=15, यही चीज फिर से आप रिपीट करोगे, 4×5=9 और कितना 6 और कितना 1, कोई दिक्कत, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, अरे ऊपर नीचे करके गुणा कर लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, 5-6-7 में पढ़ने वाले बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा आपके लिए, ऐसे तो किया होगा, बोलो 7×14=15, 7×14=15, फटाफट हो गया, 4×5=9, 6×1 बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात ये थी कि कॉन्सेप्ट, हाँ बेटा बहुत सही, कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना था, ए बच्चे इधर फोकस करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्लास में जब हम पढ़ा रहे हो तो कुछ बच्चे तफरी कर, अभी 100-150 बच्चे बैठे तो इसमें मैं नहीं, आपको मेरे ऊपर फोकस करना बेटा, बात समझ में आ रही है, मॉर्निंग में इतनी दूर से चल के आए हो, कोई बच्चा 10 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर है, कोई 12 किलोमीटर है, और मॉर्निंग में 6 बजे से क्लास चलती है, सबको पता है, जो अगर इतनी तपस्या करके आप आए हो तो यहां से कुछ लेके जाओ बेटा, एक दूसरे की शकल देख के और हंस के टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है, चलो इधर। तो ये क्वेश्चन आपका अपना हो गया, कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने कि कभी भी अगर पाइप को बनाने में चादर कह रहा है या उसको बनाने में कितने है ना, क्या निकालना है आपको उसका कर्व सरफेस एरिया, अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला बेटा 2πRh, बस काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी और ये सवाल आपके अपने हो गए बेटा, इतने इतना काम हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बच्चे वो क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी से 20% कम है और बी का वेतन सी से 25% ज्यादा है, तो सी का वेतन अगर 20,000 हो तो ए का वेतन बताओ बेटा। तो सुनिए जी, हेलो, सी का वेतन कितना है बच्चे, 20,000 बेटा, कितना है 20,000। अब ये बताओ कि बी का जो वेतन है वो सी से कितना ज्यादा है, 25%, तो ये बताओ इसका 25% निकालें, गुणे 25/100, 1, 2, 1, 2, 25 दूना बेटा 50 और 2 0 बढ़ाओ, यानी 5,000 रुपए ज्यादा है। तो बेटा जी बी का वेतन कितना हो जाएगा, 20 में 5,000 जोड़ोगे कितना आएगा, बहुत अच्छे बच्चे 25,000 रुपए। अब ए का जो वेतन है वो 20% कम है बेटा, तो इसका 20% निकालो बच्चे, तो 20/100, 1, 2, 1, 2, 25 दूना 50, बोले तो 5,000। अब 25 में से 5,000 और घटा दो क्या हो जाएगा, 20,000 रुपए आया। तो बेटा सबका वेरी नाइस, बहुत बढ़िया,
समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बस थोड़ा सा समझना था, एक में बढ़ा देना था तो दूसरे में घटा देना। तो अगर अगर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग होता तो पहले ही जान जाते एक में उतना ही बढ़ा रहा है और उसके बाद उतना ही घटा रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात का आपको ख्याल ये रखना था कि पहले ये 20,000 था, 20,000 का कितना 25%, तो 20,000 का जो 25% आएगा बेटा वो कितना आएगा 5,000, वो 5,000 रुपए आप इसमें जोड़ते तो ये हो जाता 25। अब 25,000 का 20% घटाना था तो बस काम हो गया। बात समझ में आई? तो इधर के सारे सवाल आपने बना लिए बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। कैमरे में प्रॉपर देख लेना बेटा, अगर नहीं आ रहा होगा तो बताना हमें। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूरा दिक्कत तो कोई नहीं है, ओके चलो इधर आओ। किसी खंभे का, इधर देखो, किसी खंभे का 1/3 भाग पीला, 1/5 भाग हरा और शेष बेटा 21 मीटर नीला है। तो आप ये बताओ कि खंभे की लंबाई तथा पीले और हरे भाग की लंबाई बताओ, तो क्या आप बता लोगे बच्चे? सुनो, इसमें आपको बिल्कुल ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, इधर आओ। ये देखिए, किसी खंभे का 1/3, तो ये मान लो कि उस पूरे खंभे की जो लंबाई थी बच्चे वो 1 यूनिट थी। कितनी? 1 यूनिट। उसमें से आप क्या करते कि 1/3 और 1/5 को जोड़ करके बेटा घटा दो एक में से, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चा बोल जल्दी से, 5 3 8/15 बोलो हाँ या ना। अरे ऐसे मत कर देना 5 3 8/15, वो ऐसे होता है 5 1 5 और 3 1 3 5 3 8/15 भिन्न तो अब आपको नहीं सिखाना होता बेटा। एक में से 8/15 घटाइएगा तो कितना आएगा बेटा 7/15, बहुत बढ़िया आएगा बेटा 7/15। और ये जो शेष भाग है बेटा इसकी लंबाई कितनी है 21 मीटर, इसका मतलब 7/15 भाग बराबर 21 मीटर, तो बोल बेटा पूरा भाग बराबर पलट के गुणा गुणे 15/7, तो 7 त्रिक बेटा 21 15 3 45 मीटर आ गया पूरे खंभे का, पूरे खंभे की लंबाई आ गया बेटा कितना 45 मीटर 45 मीटर। अब इधर आ जाओ बेटा, पीला भाग कितना है, पीला भाग 1/3 बोले तो 45 का 1/3 कितना होगा बेटा, 45 का 1/3 होगा बेटा 15, इसका मतलब 15 मीटर क्या है पीला। 1/5 भाग हरा है बेटा तो 45 का 1/5 कितना होगा बोल बेटे 9 मीटर, और शेष 21 क्या था नीला, तो देखो 15 और 9 24 और 21 बेटा 45, और देखो कितना है 45। इसका मतलब हम लोगों ने जो भी किया बेटा वो बिल्कुल 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 सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर चेक भी कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, सबका समझ में आया बेटा। लास्ट क्वेश्चन आपका जो मैंने पहला रखा था वो अब मैं आपके लिए ला रहा हूं, और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इधर देखिए, चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, यदि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि खर्चा जैसे मान लो कि चाय पे आप, मान लो कि चाय पे आप 100 रुपए खर्चा करते थे, बोलो चाय पे आप 100 रुपए खर्चा करते थे बेटा, और मान लो कि 100 रुपए खर्चा करके आप 1 किलो चाय लाते थे, चाय पत्ती 1 किलो लाते थे मान लो। अभी क्या हो गया कि चाय का जो दाम था बेटा, चाय का जो दाम है वो 25% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया। तो अब आप खपत में, यानी पहले 1 किलो पीते थे ना, अभी कितना कम करोगे कि ये आपका खर्चा जो है वो मेंटेन रहे, कितने प्रतिशत की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करोगे बेटा, ये आपको बताना है। कोई बच्चा आइडिया देगा आंसर कितना बेटा, 20%।
यस 20% बेटा किसी ने निकाला? हाँ आइडिया दोगे बेटा? आपका क्या आइडिया था? बोलो 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 क्या आइडिया था बेटा? आइडिया 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 कोई शेयर करेगा? कैसे आया? नहीं आया? अरे नहीं आया? हाँ बोलो। हाँ तो वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये चीज आई कहाँ से है ये बताओ? चलो इसको ऐसे लगाते हैं कि ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन भिन्न का है। मान लो ये किसका है क्वेश्चन? दो मिनट के लिए मानते क्वेश्चन भिन्न का है। तो मैं आपसे कहता हूँ बच्चे कि मान लो कि आपने एक्स रुपए में, हेलो, मान लो कि आपने एक्स रुपए में एक किलोग्राम चाय पत्ती आपने खरीदी होगी कभी, ओके? एक्स रुपए में एक किलोग्राम चाय पत्ती खरीदी होगी बेटा। तो बेटा जी चाय पत्ती की कीमत में बढ़ोतरी हुई है कितने प्रतिशत? 25%। तो बेटा जी एक्स का 25% निकालो आप, कितना आएगा? एक्स बटे चार। अब इसको जोड़ दे बेटा एक्स में तो कितना हो जाएगा? 5x/4 रुपए। सुनो बेटा, हेलो 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 हेलो, ये जो आपने एक्स रुपए में एक किलो चाय पत्ती खरीदते थे, अब आपको कितने में खरीदना पड़ेगा बेटा? हाँ, क्योंकि ये जो एक किलो है वो एक किलो हाँ, ये एक किलो जो है बेटा ये एक किलो ही खर्चा आपको करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो ये बताओ कि अगर तुम पहले एक किलो खरीदते थे तो अभी एक ही किलो खरीदोगे? तो ये बताओ, हेलो, कि जब एक्स रुपए था तो एक किलो मिलती थी? बेटा 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 सुनो, जब एक्स रुपए था तो एक किलो मिलती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है? 5x/4 रुपए में एक किलो मिली। तो बेटा बेटा जी ये बताइए कि अब एक किलो, और क्या सुनना, पहले एक्स रुपए में एक किलो मिलती थी, दाम बढ़ गया है, कितना हो गया? 5x/4x। तो ये बताओ कि अब इतने में कितना मिल रहा है? एक किलो। तो एक यूनिट का अगर यहां पे दाम निकालते आप तो कितना आता? यहां पे अगर एक यूनिट का निकालते, जैसे एक्स रुपए में अगर एक किलो, बात पकड़ में आ रही कि नहीं? तो क्या यहां पे तुम्हें 4/5 मात्रा नहीं मिल रही उसकी? उतने ही रुपए में, कितने रुपए में? एक्स रुपए में ही तुम्हें खरीदना है आज भी, हेलो, आज भी तुम्हें एक्स रुपए में ही खरीदना है। नहीं समझ रहे हो? सुनो, आज भी तुम्हें एक्स रुपए में ही खरीदना। तो सुनो इधर देखो बेटा, 5/4x में मिलता है एक किलो, बोलो बोलो बोलो, तो एक रुपए में बेटा 1/5 ऊपर चला जाएगा, कितना किलो? तो बेटा जी एक्स रुपए में कितना, कितना एक्स, तो एक्स रुपए में कितना, ये नीचे जाएगा बेटा, नीचे एक्स, तो एक्स रुपए में कितना, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो कितना मिला बेटा? 4/5 किलो मिला। पहले कितना मिलता था बेटा? एक किलो। आज कितना मिल रहा है? पहले एक किलो मिलता था बेटे, अभी 4/5 किलो मिलने लगा। घटा कितना घटा बोलो? 1 - 4/5 = 1/5। 1/5 घटा, प्रतिशत में बदल ले बेटा, 100 से गुणा कर दे, 20%। क्वेश्चन ये बहुत तरीके से लगाया जाता, बहुत तरीके से, लेकिन अभी आप केवल हमसे भिन्न पढ़े हो, बोलो आया ना? तो भिन्न की लैंग्वेज में मैंने तुम्हें समझाया। एक बार फिर से बेटा, एक बार हाँ जल्दी से, और ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो सब उड़ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन SSC वाले, ये क्वेश्चन बैंकिंग वाले, ये क्वेश्चन इनकम टैक्स वाले, ये क्वेश्चन पुलिस वाले, ये क्वेश्चन टीचर्स वाले, जितने भी तैयारी करने वाले बड़े बड़े बंदे होते हैं बेटा,
आपकी उम्र क्या, आपके पापा से भी ज्यादा उम्र की, वो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो एक बात तो आपको फोकस करना बताएगा, देखो यक्ष रुपए में एक किलो मिलती थी, बोलो हाँ ना पक्का। मैं बोला आपसे कि एक्स रुपए में एक किलो मिलता था बेटा और 25% वृद्धि हो गई, तो अब कितने में? 5x/4 में एक किलो बेटे। तो ये बताओ अगर 5x/4 में एक किलो मिलता बेटा, तो एक रुपए में 1/5x/4, मैंने 4 को ऊपर भेज दिया। फिर मैं कहूं यक्ष रुपए में अब कितना मिलेगा बेटा, तो तुमने कहा 4/5। बेटा जी पहले कितना मिलता था? एक किलो, अभी कितना? 5/4/5 किलो। बेटा जी घटा है कि नहीं? कितना घटा? 1/5। और 100 से गुणा कर दोगे बेटा। इसके बारे में हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन ट्रिक पहले इसलिए नहीं बताते जिससे कि कम से कम आपको पहले ये पता तो चले तुम क्या कर रहे हो। बाकी तो ये सब तो एक मिनट का खेल हो जाएगा बेटा, एक मिनट का। तो बस आज मैं इतना ही आपको करूंगा क्योंकि हम लोगों का टाइम भी बहुत ज्यादा चला गया। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट साहब। ओके टाटा, बाय बाय।